Hello students, this is Gaurav Singh from VMC Online. Now this is a very small sample video session to give you a feel about how our recorded lectures work और आपको कितना उसमें समझ में आता है. और अगर आप लोगों ने हमारा लाइव कोर्स भी लिया हुआ है तो आप ये देखेंगे जब लाइव कोर्स हो रहा होगा तब आपको ये जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा आपको तब मिलेगी, राइट. सो आज हम लोग एक छोटा सा एक टॉपिक हम लोग लेने की कोशिश करते हैं एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ मोशन एंड इट्स मेजरमेंट. नो मोशन की अगर हम चर्चा करते हैं तो मोशन से हमें क्या समझ में आता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मोशन. तो अगर आप छोटी क्लासों में पढ़ोगे तो आपने देखा होगा कि जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक किसी टाइम इंटरवल में मूव करती है देन वी से दैट अ बॉडी हैज़ मूव्ड. सो अगर हम किसी पॉइंट पर हम मान लीजिए ये पोजिशन वन है. नाउ दिस इज द न्यू पोजिशन आफ्टर टाइम इंटरवल से डेल्टा टी. डेल्टा टी का मतलब ये हुआ कि इतने टाइम के बाद ये बॉडी इस पोजिशन से इस पोजिशन में चली गई. कैसे जाती है इससे कोई मतलब नहीं है. हो सकता है स्ट्रेट में चली जाए, हो सकता है ये इस तरीके से किसी कर्व मोशन में चली जाए, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है. तो बॉडी मस्ट मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, राइट. अब अगर ये पोजिशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग, राइट. बहुत सिंपल सा है. लेकिन ये तो हम छोटी क्लास में देख रहे थे, अभी हम 11th क्लास में आ गए हैं तो अब नया क्या है. तो हम बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम से कि ऑब्जर्वर कौन है, हु इज द ऑब्जर्वर. क्योंकि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही हम ये बता पाएंगे कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप खड़े हुए और एक कार मूव कर रही है, कार के अंदर बंदा बैठा हुआ, तो हम कहेंगे कार के अंदर जो बंदा बैठा हुआ इट इज मूविंग और कार इज मूविंग. लेकिन आप एक कार में जा रहे हैं जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है और बगल वाली कार भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो अगर आप उस बंदे को देखेंगे जो दूसरी कार में है तो आपको मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा. सो इट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि हम ये पता लगाएं कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है या मूव कर रहा है. सो हमें ये बताना ज़रूरी होगा कि मोशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है. तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमें बड़ा क्रिटिकल हमें ये समझना पड़ेगा, राइट. अब अगर हम बात करें कि इसको मेजर कैसे करेंगे तो इसको मेजर करने के लिए वी हैव गॉट फ्यू पैरामीटर्स, ठीक है ना. तो पहला पैरामीटर तो आता है आपका पोजिशन. द फर्स्ट पैरामीटर इज पोजिशन. ऑफकोर्स द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी एट ए पर्टिकुलर टाइम. और इसको स्टैंडर्डाइज हमें करना पड़ेगा. स्टैंडर्डाइज हम लोग करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से, एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस इज द ओरिजिन. हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है. दूसरा है डिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा. डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई दी बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में जो एक ओडोमीटर लगा होता है आप लोगों ने देखा होगा, डिजिटल आने लगे हैं, पहले मैकेनिकल होते थे, तो उसमें जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो टोटल जो वैल्यू शो करता है डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस. सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में भी अगर आप बात करें तो अगर हम वन से टू पोजिशन पर जा रहे हैं तो हम किसी भी पाथ में जाएंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ऐसे भी गया या ऐसे गया या ऐसे गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे. तो इसको डिस्टेंस को जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम डायरेक्शन के साथ कोट करते हैं तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट. तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये सेशन समझ में आया होगा. इसी तरह से हमारे ये वीडियो शूट होते हैं और आपको चीज़ें समझ में आएंगी. तो ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द वीडियोज़.